हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर बात करें तो एक्सेल में आसानी के साथ सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारा काम आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, डिवीजन भी कर सकते हैं, सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप बिगिनर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये सारे काम कैसे होंगे आइए देखेंगे। दोनों वर्जन की बात करेंगे। देखिए मेरे पास 2021 भी है और 2007 भी है, तो चलिए पहले 2007 को ओपन करते हैं। ये इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिखेगा ब्लैंक डेटाबेस, दिख रहा है। यहाँ पर एक डेटाबेस का पहले से नाम आएगा और ये जो है ना ACCDB, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फाइल के एक्सटेंशन है। और यहाँ पर डेटाबेस 120 आ रहा है, आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए और यहाँ से नाम चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई डेटाबेस, ये लिख दिया मैंने माई डेटाबेस और एंटर कर देंगे तो ये इस तरीके का सिनेरियो आएगा। अब यहाँ पे डेटा एंटर करना पॉसिबल नहीं है, आप तो जानते ही हैं। यहाँ पर जाकर के व्यू पे क्लिक करना है, डेटा एंटर करना है तो व्यू पे जाना होगा। दो व्यू दिखेंगे, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। तो अब यहाँ पे टेबल का नाम देना है तो यहाँ पे मैं माई टेबल कर देता हूँ, माई टेबल लिख देता हूँ। टेबल का नाम क्या लिखेंगे, माई टेबल। यहाँ लिख दिया माई टेबल और एंटर कर दिया तो ये माई टेबल। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो फील्ड नेम है, दूसरा डेटा टाइप है, ठीक है। दोनों चीजें आपको दिखी रही होंगी और नीचे दिया गया है ये फील्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इस की वाले बटन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक की बनी हुई है, ये दिख रहा होगा आपको, ये की जो बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखिए ये जो की सी बनी हुई है ये प्राइमरी की कहलाती है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, दो नंबर्स को ऐड कराना है, ठीक है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, इसको ऐसे छोड़ते हैं और यहाँ पे डेटा टाइप इसका रख देते हैं ऑटो नंबर। आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे डेटा टाइप है, कोई भी आप रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नंबर वन करते हैं, नंबर वन ये लिखा नंबर वन। और यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट नहीं रखेंगे, जब भी हमको कैलकुलेट करना होगा तो नंबर रखेंगे, ठीक है। नंबर रख लिया और यहाँ पे नंबर टू रखते हैं, नंबर टू, ठीक है। तो नंबर वन और नंबर टू को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। तो अभी क्या यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसी टेक्निक है जो यहीं पर हमें डिवाइड करने की या ऐड करने की इजाजत दे, तो यहाँ पर 2007 में तो ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड नाम से एक फील्ड डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसे डेटा टाइप में क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। पहले तो ऐड कराएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कराना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट लिखेंगे और यहाँ पर भी नंबर ही डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। ये नंबर डेटा टाइप हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ऐसे करके मल्टीप्लाई लिख देते हैं और यहाँ पे भी नंबर ही डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है जब भी कैलकुलेट करना है तो नंबर डेटा टाइप रखना है। और ये 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 अभी नहीं बताया मैंने, अभी बताता हूँ 2021 के भी बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइड लिखा हमने, एक फील्ड नेम दे दिया डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या रखना है, नंबर ही डेटा टाइप रखना है। तो इतने सारे काम हमको करने हैं। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि सेव कर लीजिए पहले, तो यस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नंबर एंटर करने होंगे, ठीक है। तो नंबर एंटर करते हैं, चलिए बाकी आईडी तो अपने आप आएगी। तो यहाँ एक नंबर एंटर किया 12 और दूसरा नंबर एंटर किया 4। तो क्या यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो क्या रहा है, नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा, तो इसके होने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक क्वेरी बनानी होगी। तो इसको सेव कर देते हैं, देखिए साइड में आ गया है, ये सेव होके यहाँ किनारे लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। ये क्वेरी डिजाइन पे आए और यही जो टेबल बनी हुई है इसी को हमें लेना है, तो ऐड करवा दीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर वन नंबर टू को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी फील्ड डाले गए हैं सबको ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब करना है ना। अब देखिए मैं ऐड करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जाएंगे, अब देखिए कैसे ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू दिखाई दे, थोड़ा साफ साफ दिखाई दे, बड़ा बड़ा दिखाई दे ताकि आपको देखने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पे कॉलन लगाइएगा, अगर ये लिब्रा ऑफिस होता तो लिब्रा ऑफिस बेस डेटाबेस में कॉलन नहीं लगता है, मतलब कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनता। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है नंबर वन, ऐसे लिखिएगा नंबर वन, ये नंबर वन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबर वन, ठीक है। अब जोड़ना है तो प्लस लगाइए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर लिखिए नंबर टू, ठीक है। ये लिखा नंबर और टू, तो ये हो गया एडिशन। तो ये एडिशन करने का यही प्रोसेस है इसमें, ठीक है, एक्सेल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर आए सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करवाना है, नंबर वन, ये हो गया नंबर वन, और नंबर वन लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट बंद और माइनस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन नंबर टू, ऐसे कर रहा है आपको, नंबर वन माइनस नंबर टू, ये कर दिया हमने, ओके कर दीजिए। तो ये हो गया दूसरा। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन यानी दो बिंदु लग जाता है, दो पॉइंट लग जाता है, इसे कॉलन कहते हैं। और मल्टीप्लाई के लिए फिर नंबर वन, अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन क्या है, ये जो स्टार वाला सिंबल है यही मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो नंबर वन इंटू नंबर टू कर देंगे, ये करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये हो गया। अब डिवाइड करना है, लास्ट में डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान है, फिर कॉलन लगाइए, फिर लिखिए नंबर वन अपॉन
नंबर टू, ऐसे करके करना है, ठीक है। तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये नंबर वन अपॉन नंबर टू कर दिया, और यहां से अब रन पे क्लिक करना है। देखिए रन कभी कभी नहीं नजर आता क्योंकि आप होम पे होते हैं, क्रिएट पे होते हैं, एक्सटर्नल पे होते हैं, डेटाबेस टूल्स पे होते हैं, आपको डिजाइन पे रहना है, तो ये दिखाई देगा रन, क्लिक करिएगा। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवीजन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, सारा कुछ होके आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे उन सबका लाइन से होता चला जाएगा, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब कुछ होता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे इसे प्रोसीड किया जा सकता है। अब बात करें 2021 की, तो 21 में क्या है, तो यहाँ पर देखिए 21 ओपन किया है, ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है, जैसे ही जाएंगे तो क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट पे क्लिक करते ही फिर व्यू पे क्लिक करना है जैसे वहां पे किया था, और यहां पर मैं क्या करता हूँ कैलकुलेट नाम से इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए यहां पर भी आईडी आ रही है। अब यहां पर क्या करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर भी लिखते हैं नंबर वन, ठीक है, यहां पर भी क्या लिखना है, नंबर वन लिखना है, और इसका भी डेटा टाइप क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट नंबर रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं बल्कि नंबर रखेंगे, नंबर टू। नंबर वन और नंबर टू को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, सारा काम करके देखना है। तो यहां पर अब आ गए, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं ऐड, तो यहां पर ऐड करके देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको सुविधा मिल जाती है, सीधा यहीं पर आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है, जबकि यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको कोई भी कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप नहीं मिल रहा था। यहां पर देखिए इसको मैं डिजाइन व्यू पे अगर ले लेता हूं तो आप देख पाएंगे कि इसमें कहीं भी आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं नजर आएगा। देखिए 2007 है तो कहीं कैलकुलेटेड है, इसमें कैलकुलेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2007 की बात थी, लेकिन बात करें 2021 की, तो 2021 में 2016 से लेकर के ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप का आ गया है इसमें। तो यहां पर क्या करना है, नंबर वन सीधा लिखना है, यहीं पर टेबल बनाते वक्त ही लिखिए नंबर वन प्लस नंबर टू, क्या लिखना है, नंबर वन प्लस नंबर टू, इस तरीके से लिख के स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। ध्यान दीजिएगा कर्ली ब्रेसेस नहीं देना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है और कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा, जैसे ओके करेंगे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके देगा हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर कीजिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 एंटर किया, यहाँ पे 7 एंटर किया, तो आप देखेंगे कि 4 और 7 का एडिशन हो रहा है। लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ पे वापिस आना है, अब क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट SUB सब लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप ही लेना है आपको, तो यहाँ से कैलकुलेटेड ले लीजिए, और यहाँ पर क्या करिएगा, नंबर वन माइनस नंबर टू करिएगा, नंबर टू इस तरीके से करना है आपको, ब्रैकेट को क्लोज करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो है सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहां से जाएंगे और यहां से कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिखेंगे नंबर वन मल्टीप्लाई बाई नंबर टू, इस तरीके से नंबर वन इंटू नंबर टू कर दिया, उसको बंद करेंगे और बस ओके करेंगे, तो देखेंगे कि इसी का मल्टीप्लाई भी होके आएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे एडिशन हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बचा है डिवीजन, तो डिवीजन भी कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डिवाइड, डिवाइड लिख दिया, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप भी आपको लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, नंबर वन अपॉन नंबर टू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर वन हो गया ये, और अपॉन नंबर टू कर देते हैं, तो ये नीचे नंबर टू दिया गया है, ये ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, बस काम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और जो भी आपको करना है लाइन से करते चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे खूब शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।